आज घटना घटती है और 20-25 साल पहले का जिक्र ये लोग करते हैं। जंगल राज की देन है कि 5-5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी, जब अब वो मुख्यमंत्री थी तो बिहार सरकार ने कौन सा कार्य किया है, क्यों नहीं जाके जनता के बीच में बताते हैं, मीडिया के बीच में क्यों नहीं बताते हैं। बाढ़ आ चुका है, बराज खोल दिए गए, सारे गेट कोसी बराज के खोल दिए गए और मुख्यमंत्री की नींद आज खुली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, क्योंकि वो तो भाजपा और एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बी टीम बन करके काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का मुकाबला एनडीए से है और जहाँ तक ओछी राजनीति, अगर जनता की बात करना, बाढ़ पे अगर बात करना, स्मार्ट मीटर पे बात करना, जनता के मुद्दों को लेकर के अगर हम आवाज़ उठाते हैं और बात करते हैं और इसको सरकार के तरफ से एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा इसको ओछी राजनीति कहा जाता है, तो ये इस तरह की ओछी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन हमेशा करता रहेगा। देखिए बार बार कहा जा रहा है, ये तो फैक्ट है, तेजस्वी ने खुद भी बताया, बिहार की जनता इसको जानती है। इसको बार बार कहने से अगर बिहार के बेरोजगार नौजवान युवाओं को अगर 9वीं फेल कहने से रोजगार मिलता हो, हमारे बिहार का डेवलपमेंट होता हो, हमारे बिहार में फैक्ट्री लगती हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि सांसद मिशा भारती जी सीधे जुड़ते हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हमसे बात करने के लिए। मैम सबसे पहले तो बिहार में बाढ़ की जो अवस्था है उसको आप कैसे देख रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। देखिए बाहर जैसे कि अभी मैंने मीडिया के माध्यम से अभी मैंने भी सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ का सर्वेक्षण करने शायद निकले हैं जी। तो काफ़ी लेट से मुख्यमंत्री जी की नींद खुली है, क्योंकि मैं पाटलिपुत्र का नेतृत्व करती हूँ, पाटलिपुत्र में मनेर और दानापुर के दियारा में अभी बाढ़ आई थी और सरकार बिल्कुल ही संवेदनहीन थी। जिस तरह से प्रशासन को और आपदा विभाग को कार्य करना चाहिए था वो उन्होंने कार्य नहीं किया है। तो और ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बार बिहार में बाढ़ आई है, ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। तो इसके लिए सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए, आपदा विभाग को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए, ताकि जो जो बाढ़ जिस एरिया में आता है, जिस इलाके में आता है, जैसे खासतौर पर कोसी का जो देखा जाए तो नॉर्थ बिहार में जो बाढ़ आता है, तो उसके लिए उनकी तैयारी पहले से होनी चाहिए ताकि उस वहाँ के जनता को कोई तकलीफ ना हो। लगातार सत्ता पक्ष कह रही है कि आप लोग अब जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं काफ़ी ओछी राजनीति कर रही है। लगातार अगर हम पीके की भी बात करें, कल पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी तो हमारे टक्कर में ही नहीं है, कैसे देख रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, क्योंकि वो तो भाजपा और एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बी टीम बन करके काम कर रहे हैं जी। तो मुकाबला हमारा एनडीए से है, इंडिया गठबंधन का मुकाबला एनडीए से है। और जहाँ तक ओछी राजनीति, अगर जनता की बात करना, बाढ़ पे अगर बात करना, स्मार्ट मीटर पे बात करना, जनता के मुद्दों को लेकर के अगर हम आवाज़ उठाते हैं और बात करते हैं और इसको सरकार के तरफ से एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा इसको ओछी राजनीति कहा जाता है, तो ये इस तरह की ओछी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन हमेशा करता रहेगा, जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहेगा। मैम साथ में आप लोग क्या कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, किस तरीके से राहत का काम चल रहा है? देखिए क्योंकि जिस तरह से सरकार कार्य करती है उस तरह से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं अपने स्तर से हमारे स्थानीय जितने लोग हैं सब जगह वहाँ पे मदद पहुँचाने की, राहत सामग्री हो चाहे उनको जिस तरह से भी मदद हो उसको हम लोग पूरी तरह से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को बार बार 9वीं फेल कहा जा रहा है, इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए बार बार कहा जा रहा है, ये तो फैक्ट है, तेजस्वी ने खुद भी बताया, बिहार की जनता इसको जानती है। इसको बार बार कहने से अगर बिहार के बेरोजगार नौजवान युवाओं को अगर 9वीं फेल कहने से रोजगार मिलता हो, हमारे बिहार का डेवलपमेंट होता हो, हमारे बिहार में फैक्ट्री लगती हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप 9वीं फेल का गाना गाते रहिए। लेकिन सरकार को 9वीं फेल बता करके सरकार क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार क्या कर रही है, बाढ़ पर क्या सरकार कर रही है, आप 20-25 वर्ष होने जा रहे हैं, आपने कौन से बिहार में फैक्ट्री लगाई है, कोई एक सुई का कारखाना भी लगाया है क्या? जो 9वीं फेल कर रहे हैं उनके पिताजी जो जब थे रेल मंत्री थे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने 3-3 फैक्ट्रियां देने का काम किया है, हमेशा जंगल राज की संज्ञा, आज घटना घटती है और 20-25 साल पहले का जिक्र ये लोग करते हैं। जंगल राज की देन है कि 5-5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी, जब अब वो मुख्यमंत्री थी तो बिहार सरकार ने कौन सा कार्य किया है, क्यों नहीं जाके जनता के बीच में बताते हैं, मीडिया के बीच में क्यों नहीं बताते हैं। बाढ़ आ चुका है, बराज खोल दिए गए, सारे गेट कोसी बराज के खोल दिए गए और मुख्यमंत्री की नींद आज खुली है।
इसके साथ मैम आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बंगाल की घटना पे क्या कहना चाहेंगी आप? बंगाल की कौन सी घटना? जिसमें छात्रों को, बिहारी छात्रों को मारा। देखिए, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी जानकारी मिली, हम लोगों ने भी देखा, और जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने उनसे बात की और उसके ऊपर कार्रवाई हुई जिसने ऐसा किया। मैं यही कहूँगी कि बार बार देश में सभी को आज़ादी है, सब लोग कहीं भी जा सकते हैं रोजगार के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, अगर इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। बहुत शुक्रिया मैम। तो देखिए, सीधे तौर पर क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनाया। आपको बता दें कि बंगाल में जिस तरीके से बिहारी छात्रों के साथ व्यवहार किया गया उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। बने रही हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।